जी उधर रेडी कर। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज हम वजात देना चाहते हैं, कल हमारे सुबह बलूचिस्तान के वजीर आला वजीर सदारत एक इजलास हुआ है। उस इजलास में धरने के बारे में, हमारे एहतजाज के, अवाम के एहतजाज के बारे में काफ़ी गलत बातें, झूठी बातें की गई हैं और उनकी वजाहत भी देना चाहते हैं। पहली बात तो ये है कि बलूचिस्तान के अवाम को मुबारकबाद देना चाहते हैं कि कम से कम से पोर्ट के काम की बंदिश की वजह से वो वजीर आला जो सो रहा था उसका कान पकड़ कर उसको जगाया गया है। ये तो मैं बलूचिस्तान के अवाम को मुबारकबाद पेश कर, इंशाल्लाह आइंदा चंद दिनों में पकड़ कर मजीद तादी भी उसके खिलाफ कार्रवाई भी इम्कान है। उस इजलास में ये कहा गया कि हुकूमती वक्फ कमिश्नर मकबरान की क़यादत में हुकूमत के वक्फ ने 12 मुज़ाकरात किए। कमिश्नर मकरान से हमारी 2 मुलाकातें हुई हैं, डिप्टी कमिश्नर ग्वालियर से मुतअद्दिद मुलाकातें हुई हैं। उन्होंने किसने ये कमिश्नर और डीसी भेजे हमें पता नहीं है, लेकिन हमें इतना मालूम है कि ये सब अपने ही ज़ाती कोशिशों से आए। हुकूमत बलूचिस्तान, वज़ीर आला हो या चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान हो, उनकी कोई दिलचस्पी नहीं थी हमारे अवाम के मुतालबात से, वो कोई संजीदगी नहीं थी हुकूमत बलूचिस्तान और चीफ सेक्रेटरी की। वो बातें भी कर रहे थे इतनी बेबस, बेबसी के आलम में उन्होंने हमसे बातें की और उनके हाथ में कुछ नहीं था। तो बेबस कमेटी जो वजीर आला की नहीं हो, चीफ सेक्रेटरी की नहीं, दिलचस्पी नहीं, चीफ सेक्रेटरी तो बिल्कुल में कि बिल्कुल किसी सूरत इनकी बातें सुननी नहीं है, उनके पास जाना नहीं है, ये बिल्कुल झूठ है। और जो अफसरान हमारे पास आए इतना ही बेबस थे, उनके हाथ में कुछ नहीं था, उन्होंने दबे अल्फाज में हमारे सामने बारहास का इजहार भी किया है। दूसरी बात उसमें ये कही है कि हिदायत-उर-रहमान के बार बार मौकफ तब्दील होने की वजह से मुज़ाकरात में तआक़ुल आया है, ये बिल्कुल ये भी झूठ है। हमारा मौकफ 15 नवंबर 2021 से लेकर आज तक वही मौकफ है, जर्रा भर भी हमारे मौकफ में तब्दीली नहीं आई, जर्रा भर भी नहीं आई। हमारे जो डिमांड 16 दिसंबर 2021 को वजीर आला ने लाला अहमद शहीद चौक में हजारों लोगों के सामने जो वादा किया उससे झूठ बोला, आवाम से झूठ बोला, आवाम से दगा किया, आवाम को धोखा दिया। इसी धोखाधड़ी के खिलाफ ये एहतजाजी धरना उसी मौकफ के साथ हम खड़े हैं जो एक महीने का वक्त मांगा, आज साल गुजर चुका है। इसलिए हमारे मौकफ में कोई तब्दीली नहीं आई, मगर हुकूमत बलूचिस्तान की झूठे दावे, धोखाधड़ी, फरार को खोलकर सामने आ। तीसरी बात उन्होंने की कि तरक्की मुखालिफ, असल में हुकूमत बलूचिस्तान तरक्की मुखालिफ हुकूमत बलूचिस्तान खुद है, वजीर आला उसकी टीम तरक्की मुखालिफ है। हम तो तरक्की चाहते हैं, अब तरक्की ही के लिए हमारा जो एहतजाज है तरक्की के लिए, हमें इलाज चाहिए, तालीम चाहिए, रोजगार चाहिए, पानी चाहिए, बिजली चाहिए,
सारे बलूचिस्तान की हिफाजत चाहिए, बॉर्डर की हिफाजत और कारोबार चाहिए, मनशियात से पाक माशरा चाहिए, तरक्की तो हम चाहते हैं। हुकूमत बलूचिस्तान तरक्की नहीं चाहती, ये भी बिल्कुल झूठ है। अपने तसल्ली देने के लिए पता नहीं है, जब ब्रीफिंग दे रहा था पता नहीं वजीर आला होश में था या नहीं था, हमें पता नहीं है, इस पर मेडिकल ताकीद की जरूरत है, पर ये भी बिल्कुल झूठ है। चौथी बात, बात भी कर रहे हैं कि हमने पहले मुजाकिरात किए, फिर हम वजीरों का एक वक्त भेजेंगे, लेकिन साथ साथ ये भी कह रहे हैं, धमकी भी दे रहे हैं, आईनी हाथों से निपटा जाएगा, हम किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम रोड बंद करना कानून है, मना है, आईने पाकिस्तान ने ये नहीं है कि जो 56-58 दिनों से पाकिस्तानी शहरी बैठे हुए हुकूमत बलोचिस्तान सो रही हो, तो आईन पाकिस्तान क्या कहता है, उस वजीर आला को जेल में होना चाहिए या वजीर आला होना चाहिए, और हुकूमत बलोचिस्तान और नशे में वजीर आला और नशे में मसरूफ हो तो आईन पाकिस्तान क्या कहता है, इसकी भी तो आप होता है ना, आईन पाकिस्तान क्या कहता है कि वजीर आला उस मुल्क का शहरी 58 दिन सड़कों पर उसका वजीर आला नशा कर रहा हो, क्या कहता है आईने पाकिस्तान, इसकी भी तो आजाद क्या है, डर की मत है, फिर कोई मुजाकरात के लिए ना भेजे, अपने आईनी हाथों को भेजे कि हमसे निपटे, अगर आपके अंदर जरूरत है और आप आईनी फौज तुम्हारे हाथ में, पुलिस तुम्हारे हाथ में, पूरे इदारे तुम्हारे हाथ में, फिर आईनी हाथों को भेजो, आईनी हाथों को भेजो, ऑपरेशन करो, हमें ताकत से उठाओ, अगर तुम कर सकते हो आईनी हाथों से आके उठाओ, तुम तो सरदार अख्तर मेंगल के हाथों ब्लैकमेल होकर के तमाम अपने तकंडे किए कि सरदार अख्तर मेंगल नाराज ना हो, बीएनपी नाराज ना हो, वफाकी हुकूमत सरदार अख्तर मेंगल के हाथों ब्लैकमेल, सूबाई हुकूमत सरदार अख्तर मेंगल बीएनपी के हाथों ब्लैकमेल, जिसकी वजह से आपने यह मुजाकिरात किसी राय फरार इख्तियार की, मैं वाज़े अल्फाज में कहना चाहता हूँ, धमकियां मत दो, अगर धमकियां देते हो मुज़ाकरात मत करो, किसी की जरूरत नहीं है मुज़ाकरात की, वजीर को भेजो, अपने ताकत का इस्तेमाल करो, फिर देखो किस तरह तुम्हारा ये पोस्ट चलता है, तुम्हारे वीआईपी आते हैं, कौन सा वीआईपी हम भेजे, ये ग्वादर में वीआईपी ग्वादर के आवाम है, ग्वादर के माहिगीर है, ग्वादर के नौजवान वीआईपी है, इसके अलावा किसी को हम न फौज को वीआईपी समझते हैं, न वजीर को वीआईपी समझते हैं, और न किसी सरमादार को वीआईपी समझते हैं, इसलिए धमकियां मत दो हुकूमत बलोचिस्तान, धमकियां मत दो, तुम्हारे अंदर जरूरत है फिर जो आईनी हाथ का आपने इस्तेमाल किया कि आईनी हाथ से निपटेंगे, हम बैठे हुए हैं, पोर्ट बंद किया है, पोर्ट रोड बंद किया है, आपका पोर्ट बंद है, तुम्हारे अंदर ताकत है भी आईनी हाथों से हमसे निपटो, मैं देखता हूँ किस तरह तुम आईनी हाथ आवाम का किस तरह तुम मुकाबला करोगे या फोट चलाओगे, धमकियां मत दो, हम मुजाकिरा करना चाहते हैं, हम बातचीत के जरिए मसाइल का हल करना चाहते हैं, हम पुरामन है जमहूरी है, हम पुरामन जमहूरी लोग हैं, हम पुरामन जमहूरी जद्दोजहद कर रहे हैं, इसलिए हमें ना आईन सिखाओ, ना कानून सिखाओ और ना धमकियां दो, धमकियां हो बंदा दे रहा है जो महीनों महीनों सोता है जागता नहीं, वो हमें धमकियां दे रहा है, जो नशे से पारे